चैनल। तो कैसे आप लोग, हमेशा की तरह बड़े होंगे इसे उम्मीद करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अशोक लेलैंड का 8BS3 ट्रक मोड। ये ट्रक मोड ड्यूड गेमिंग 2.1 चैनल ने बनाया है। इसका डाउनलोड लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसा ये ट्रक मोड। वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे न्यू बसी वीडियो मोड देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चलो देखते हैं पहले इस ट्रक मोड का इंजन स्टार्टर वाइज कैसा है। बहुत बढ़िया इंजन स्टार्टर वाइज। चलो देखते हैं इसकी लाइट, ये देखो अपर डिपर लाइट, ये देखो पार्किंग इंडिकेटर, ये देखो अंदर भी ब्लैक ग्रीन ग्रिल के अंदर भी लाइट लग जाती है। देखो इंडिकेटर पार्किंग, ये देखो पीछे के इंडिकेटर लाइट्स, ये देखो ब्रेक लाइट, ये देखो रिवर्स लाइट, ये देखो साइड लाइट, देखो ग्रीन येलो रेड कलर की लाइट दी हुई है। ये देखो आगे भी येलो कलर की नीचे लाइट दी हुई है। ये देखो नीचे स्टार का किचन दिखाई देता है। देखो कैप व्हील, देखो टायर की कैप व्हील भी बहुत प्यारी लग रही है। पीछे बम्पर दिया हुआ है, उसमें टायर और वो क्या बोलते हैं उसको, गजरा, वो भी दिया हुआ है। वो देखो मिरर को भी दिया हुआ है। चलो देखते हैं इसके, ये देखो डोर की ओपन करने से ये डोर ओपन हो जाता है लेफ्ट साइड का। वाइपर से, ये देखो सिंगल वाइपर दिया हुआ है, पूरी तरह से वर्क करता है वाइपर। चलो देखते हैं इसका अंदर का डैशबोर्ड कैसा है। ये देखो स्टीयरिंग पे अशोक लेलैंड का लोगो, आगे साईं बाबा की मूर्ति दिखाई देती है, ऊपर लव का सिंबल और इधर लेफ्ट साइड में मिरर पे माइली किचन दिखाई देता है, ऊपर टीवी दिखाई देता है, राइट साइड में मैप नेविगेशन दिखाई देता है। बहुत बढ़िया दिया हुआ है। चलो देखते हैं इसके एनिमेशन की, उसके एनिमेशन की से देखो पीछे की ताड़पत्री गायब हो जाती है। सेकंड एनिमेशन की से देखो ड्राइवर डोर ओपन हो जाता है, इसमें ड्राइवर भी देखने को मिलता है। देखो सेकंड एनिमेशन और थर्ड एनिमेशन की से देखो लोड आ जाता है। थर्ड एनिमेशन की से गाड़ी लोडेड हो जाती है पूरी तरह से। देखो तो चलो देखते हैं इसका टेस्ट ड्राइव लेके चलाने में कैसे, ब्रेक सिस्टम स्टीयरिंग कंट्रोल। We'll be right back.
देखो सस्पेंशन बहुत अच्छे से वर्क करता है और चलाने में भी बहुत अच्छा है। स्टीयरिंग कंट्रोल, ब्रेक सिस्टम भी बहुत अच्छा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।